I never, never quit. I either win or learn. This was made famous by Nelson Mandela, who doesn't know about him. Welcome, welcome once again to World Pinch TV, where we're gonna speak about how you should never, ever, ever give up. I would like to present to you a story. In fact, an incident Jo Mere Sati wa B kuch din and it's so fresh and it's a perfect perfect example of how you should never ever ever give up it all began from a road trip and uh, some of you might obviously think a hey, road trip may how are you even thinking of not giving up it's like you are having fun up to to trip away but the story is as follows we were going on a car in a mountainside road बिल्कुल रात को अंधेरे में इट वॉज फॉगी वेन वी वेन वी स्टार्ट ट्रैवलिंग इट वॉज द इवनिंग टाइम बट जैसे जैसे हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करी लाइक वी रीच आ स्पॉट इन द दिल्स इट बिकेम रियली फॉगी एंड जैसा आपको याद दिख रहे वैसे एक फुल मून था एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉग एंड अ परफेक्ट परफेक्ट व्यू एंड जो भी लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि हाउ मच आई क्रेव दिस मेरे को कितना पसंद है बहुत ही बढ़िया सा व्यू एक अच्छा स्काई क्लियर क्लियर एयर एंड योर फ्रेंड्स एंड योर कज़न्स अराउंड एंड उनके साथ आप मजे कर रहे हो एंड एंड दैट्स लाइफ गोज लाइक सो वी वर वी सो हैप्पी दैट वी आर जस्ट गोइंग गोय है संडे ऑन फाइन संडे नाइट माई ब्रदर ही स्टेज इन दिल्स माई रियल ब्रदर ही पहाड़ों में रहता है सो so, वो थोड़ा सा नीचे आया पहाड़ों पे एंड हम थोड़ा सा ऊपर गए एंड हम बीच में कहीं मिले वहां पे जब हम पहुंचे उस जगह पे देन वी पार्क डाकाज एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग द व्यू द ब्रेथ टेकिंग व्यू And the night time chill. Oh, oh, oh. I still remember इतनी ज्यादा ठंड थी इतनी ज्यादा ठंड थी वहां कि आफ्टर अ वाइल मैं अपने एक दोस्त की कार में बैठ गया एंड आई टोल्ड हिम के चल हीटर ऑन करते बिकॉज इट्स सो कोल्ड लेट्स वॉर्म आन स्टिल गो आउट एंड सेल फॉर असने अपनी गाड़ी का हीटर ऑन किया एंड ही टोल्ड मी के आप वेट करो ये हाईब्रिड कार है दस पंद्रह मिनट में इट्स गोइंग टू बी रियली हॉट मैं उससे पूछने लगा कि यार कार तो ऑन ही नहीं है तो हीटर कैसे चल रहा है <laughs> कार ऑन तो कर आई मीन मेरे को इतना मालूम है आई गेस आपको भी पता होगा कि द हीटर ऑफ द कार इट्स इट्स द हीट इज कमिंग फ्रॉम द इंजन वो इंजन जब चल रहा है जब चर्न हो रहा है उसी की हीट यूज करके हीटर बनता है लाइक इन अ कार इट डज नॉट वर्क ऑन बैटरीज क्योंकि इतनी पावर बैटरी नहीं दे सकती तभी एयर कंडीशनर भी सिर्फ तभी चलता है वेन योर कार इज ऑन इग्निशन या फिर जब उसका इंजन ऑन है सो कार का वर्किंग ऐसा होता है कि इंजन जब ऑन होता है तो बैटरी इज गेटिंग चार्ज एंड बैटरी यूज होती है कार को ऑन करने में सो इट्स प्रिट यू ऑब्वियस कि अगर बैटरी आपकी कार की खत्म हो गई एंड नाउ यू आर क्वाइट राइट कि मैं कहां पे गिर रहा हूं द द पॉइंट इज दैट उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी कार उसको लगा के स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज ही थॉट के हाइब्रिड कार एंड ऐसी ही स्टार्ट होती होगी बट टर्न आउट के इट वॉज एट ऑन हीटर नहीं चल रहा था ठंड उतनी ही लग रही थी तो कार को ऑन करने को बोला मैंने उसको कि कार नहीं है ऑन एंड उसने कार ऑन करी बट एक ऑटोमेटिक कार थी एंड उसमें बस जब इग्निशन पे आप कार को ऑन करने की कोशिश करते हैं एंड वो बैटरी डाउन होती है देन सिर्फ कोशिश होती है उस कार को ऑन करने की बट वो ऑन नहीं होती है आपको वो इग्निशन वाला वो साउंड मिलेगा बट एंड में द कार वट वोंट बाज फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट वो बंद ही रहेगी वो ऑफ ही रहेगी एंड ऐसा ही हो रहा था हम लोग पहाड़ पे थे बार बार फॉग आ रही थी जा रही थी इतनी ठंड थी एंड आस पास कोई नहीं था एक लॉकडाउन वाली स्टेट थी ऑब्वियसली लाइक द स्टेट वॉज एन लॉकडाउन सो देर वॉज नो हेल्प अराउंड हमने कुछ मकैनिक्स को कॉल करने का ट्राई किया बट देर वॉज एंड एनी वन ना वी न्यू वन थिंग एक कार इफ इट्स लो ऑन अ बैटरी देन अगर आप उसको धक्का दो देन वो व्हील्स का जो मोशन है वो इंजन को एक इग्निशन दे सकता है इनफैक्ट वो व्हील्स के मोशन से बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाती है सच देट वो कार ऑन हो जाती है तो बहुत बहुत मुश्किल से एंड बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर हमने उस कार को थोड़ा सा पुश किया ताकि वो रोड पर वापस आ सके एंड सिंस हम माउंटेन्स पे थे एक डाउन हिल रोड तो थी ही हमारे सामने एंड हमको सिर्फ उस कार को अब स्टीर करके नीचे लेके जाना था बहुत सिंपल था बट धक्का जितना जितना मुश्किल से हमने धक्का दिया उतनी ही आसानी से उस कार ने हमको मना कर दिया कि हम नहीं चलने वाले वो समटोमेटिक कार ऑन नहीं हुई हमने उसको स्लोप पर थोड़ा चलाया एंड सेंस ऑफ वो ऑन नहीं हो रही थी तो हमने उसको साइड में थोड़ा पार्क कर दिया एंड अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कार रोड के बीच में ऑलमोस्ट साइड में है जस्ट थोड़ी एंड कोई साइन नहीं मिल रहा उसके ऑन होने का इनफैक्ट जो थोड़ी बहुत बैटरी उसमें बची थी थोड़ा बहुत लाइट्स वगैरह अंदर चल रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है समाह एवरी थिंग इज स्टॉप्ड इन द कार कंप्लीटली इवन उसका वो वार्निंग वाले दो लाइट भी नहीं आ रहे नाउ वी डोंट नो वॉट टू डू कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं लकी मेरा भाई जो ऊपर से आया था पहाड़ से उसके पास एक और कार थी And that gave us slight, slight hopes कि कुछ तो हो सकता है प्रॉबेबली कुछ पॉसिबल है सामने ही सामने ही थोड़ा सा आगे। luckily, there was a hotel. हम उस होटल तक गए अपनी कार में अपनी दूसरी गाड़ी को सड़क के बीच में ही छोड़ के हम एक होटल चले गए एंड ये सब बहुत जल्दी करना है हमको बिकॉज हम वो कार को रोड के बीच में नहीं छोड़ सकते ज्यादा टाइम तक इट्स नॉट सेफ फॉक भी था हो सकता है कि कोई कार बहुत स्पीड में आ रही हो एंड ही might नॉट सी आर कार तो कुछ भी हो सकता था हम उस होटल पहुंचे एंड हमने उस गेट पे थोड़ा हॉर्न मारा देन दो guards आए बाहर उन गार्ड से हमने बोला कि सर प्लीज प्लीज हमारी कार बीच में बंद हो गई है बहुत प्रॉब्लम है मुश्किल में है प्लीज हमारी कुछ भी हेल्प करो हमें कोई मकैनिक का नंबर दे दो अगर आपको कुछ मालूम है तो आप भी आ सकते हो हमारे साथ या फिर हमको कुछ वायर्स दे दो जिससे हम उसको चार्ज कर सकें ये सब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ही थे आई I मीन mean, हमको फिजिक्स पता थी बट हमको रियालिटी नहीं पता थी एंड सिंस लॉकडाउन था वो होटल वॉज नॉट फंक्शनिंग सारा स्टाफ घर गया हुआ था कोई मकैनिक का नंबर नहीं था देर वॉज नो मकैनिक हु वॉज सिटिंग लाइक आई अवेक इन दिस इन दिस चिली 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 कोल्ड इतनी ठंड में कौन ही उठा होता है हमारे अलावा एंड हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हमको कोई हेल्प नहीं मिली इन इनफैक्ट वो गार्ड थोड़ा सा रूट था हमारे साथ एंड हमको थोड़ा बुरा ही लगा फिर हम वापस गए हमको वापस जाके वो जो फॉगी रास्ता था उसमें ट्रैवल करते करते एक पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप का एक साइट मिला एक पेट्रोल पंप का एक साइट आया एंड उस पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप में दो लोग थे लकीली तो बहुत ही एक बैरन सी रोड थी लेकिन एक पेट्रोल पंप था वहाँ पे एंड उस पेट्रोल पंप में जो दो लोग थे पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे कोई कोई और ऑप्शन नहीं है एंड दैट वॉज द मोमेंट जब हम सारी होप्स लूज करके एंड हम सब ने डिसाइड किया मिलके कि उस कार को वही रहने देते सड़क पे सुबह आके देखते हैं कि क्या करना होगा अभी लेट्स गो होम प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी इसमें प्रॉब्लम नंबर वन जिसकी वो कार थी ही वॉज केयर्ड उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे उसको कि कार का है एंड अगर कार सड़क के बीच में देन उसके पेरेंट्स उसको वापस से तो वो कार कभी नहीं दे सकते थे सेकेंड प्रॉब्लम हमको बहुत ठंड लग रही थी एंड uh, उस ठंड में हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि अब हम कुछ कोई भी कोई भी हेल्प कर पाएंगे किसी की भी एंड वी वर सो हेल्पलेस थर्ड प्रॉब्लम एक ये भी थी कि कार को पूरी रात सड़क पे छोड़ना इज़ नॉट सेफ ये भी हमको मालूम था एंड हमको होटल में भी जगह नहीं मिली होटल भी बंद था सारे दरवाजे बंद हो गए थे बट वो पेट्रोल पंप में एक बंदा ने हमको देखा कि हम बहुत दिक्कत में एंड हम सारी होप्स लूज कर चुके हैं एंड अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें वापस ही चलते एंड वो अपनी पेट्रोल पंप की छत पे गया उसने थोड़ी देर ढूंढा दस पंद्रह मिनट जब तक हम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे एंड वी यूर फीलिंग सो बैड कि रोड ट्रिप तो ट्रिप नहीं था बस एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस की तरह बनता जा रहा था एंड बुरा तो इस बात का ही लग रहा था बहुत बट थोड़ा सा थोड़ा सा हमेशा ऐसा होता है कि एक एक रे ऑफ सनशाइन हमेशा आपकी तरफ आ रही होती है अगर आप अपनी आंखें खोल के उसको देख रहे हो एंड वही रे ऑफ सनशाइन उस पेट्रोल पंप वाले बंदे ने हमारी तरफ फेंकी जब उसने हमको दो वायर्स दी ब्लू कलर की दो सिंपल प्लेन ब्लू वायर्स लिटरली लिटरली दे वर जस्ट टू मेरे को अभी भी याद है अच्छे से दो बस ब्लू वायर्स दो ब्लू वायर्स एंड उसने बोला कि अब इनके दो एंड्स को आपको काटना होगा, वो प्लास्टिक हटाना होगा एक साइड पे लंबा एंड एक साइड पे छोटा हमें वहां से भी मिला एंड हम समय को स्क्रेप ऑफ कर चुके थे नाउ द प्रॉब्लम वॉज उन भैया ने हमको दिखाया कि आपकी कार में यहां पर प्लस पॉइंट है एंड एक पॉइंट है यहां पे हाँ पे जहां माइनस होगा आपको बस प्लस से माइनस कनेक्ट करना है जैसे ही भैया ने बोला मेरे दिमाग में आया कि एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं एक बैटरी का प्लस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर दूंगा देन वोल्टेज ऑपोजिट हो जाएंगे एंड मैं चाहता हूं कि मेरी बैटरी से जो मेरी एक कार चलती है उसकी बैटरी से दूसरी कार की बैटरी जो डाउन है वो चार्ज हो जाए तो अगर मैं उनको सेम पोलैरिटी पे नहीं लगाऊंगा देन वोल्टेज इज अक्रॉस द बैटरीज वॉन्ट बी एवर सेम एंड वोल्टेज दोनों बैटरीज पे सेम करने के लिए हमने ये उनको बताया कि प्लस को प्लस से लगाना होगा एंड माइनस को माइनस से लगाना होगा एंड भैया अग्री करें हम उनसे भैया को सब मालूम था इज जस्ट डैट वो हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि ब्लैक को ब्लू से लगाओ ब्लू को ब्लैक से लगाओ प्लस को माइनस से लगाओ बट उनको सब मालूम था वो बस वर्ड्स में थोड़ा गुम गए थे बट उनको पता था कि फिजिक्स तो हमेशा काम करती है एंड फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कर्च ऑफ स्लूप के रूल्स के अकॉर्डिंग बैटरी के पोटेंशियल्स को सेम करने के लिए प्लस को प्लस से एंड माइनस को माइनस से कनेक्ट करना होगा एंड डैट वॉट वी डेड थोड़ा सा परसुएट करने के बाद भैया को कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो हमको नहीं आता ये हम आज हारने वाले बट अगर आप आओगे तो हम बच सकते हैं आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो आपने हमको थोड़ी सी और उम्मीद दी है जो जिसकी वजह से अब अभी हम में बहुत सारी उम्मीद आ गई है तो आप प्लीज प्लीज आ जाओ एंड भैया बहुत मुश्किल से माने इनफैक्ट वो दो भैया साथ में ही आ गए एक ही सीट पे बैठ गए एंड हम पाँचों फिर से गए अपनी कार की तरफ एंड वहां पे हमने यही किया जैसा हमको मालूम था दैट मोमेंट इज स्टिल सो फ्रेश कितना कितनी अमेजिंग चीज़ हुई हमारे साथ वो मोमेंट बहुत अमेजिंग था जिसमें दो वायर्स दो वायर्स हमारी एक चलती हुई कार से कनेक्ट करी एंड उन्हीं दो वायर्स को लाइक जैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल वाले पिंचर्स है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ वायर थी प्लेन वायर जो आपके कहीं कहीं पे भी आपको मिल सकती है एंड उसको हमने दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया दूसरी कार की बैटरी से एंड पहली कार को ऑन किया एंड दूसरी कार को ऑन जैसे ही किया वैसे ही भड़क से वो ऑन हो गए वो मोमेंट बहुत सही था तीन लोग विटनेस कर रहे थे वो मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे वो वायर्स को कनेक्ट किया एंड कैसे एक इलेक्ट्रिक का शॉक गया मेरा ब्रदर जो दूसरी कार में था जो ऑन थी उसने फील किया कि कैसे उसने एनर्जी अपनी कार से दूसरी कार को दी एंड मेरा एक और कज़न जो बंद वाली कार में था उसने एक्सपीरियंस किया कि कैसे वो कार मैजिकली ऑन हुई इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद वी ऑल क्लिकड ऑन दिस नोट कि कैसे यार अगर हमने होप ना लूज करी होती देन कुछ भी हो सकता था आई मीन पेरेंट्स तक इन्वॉल्व हो जाते इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता था ये इट्स द ब्यूटी ऑफ नॉट गिविंग अप अगर हम चाहते तो हम पहले ही इंस्टेंस पे के अब क्या कर सकते हैं हम गिव अप कर देते बट हमने उसको धक्का मारा इंस्टेंस नंबर वन धक्का मारने पर कुछ नहीं हुआ तब भी हम गिवअप कर सकते थे हम सोच सकते थे कि चलो अब क्या ही होगा वायर्स तो का ही मिलेगी आई I मीन mean, कुछ भी पॉसिबल नहीं है तब हमने ये डिसाइड किया कि हम आसपास ट्रक्स को रोकेंगे गाड़ियों को रोकेंगे उनसे बात करेंगे उनसे पूछेंगे, पूछेंगे क्या पता उनके पास वायर हो बहुत ही कम ऑर्ड्स वाला शॉट इसके चांसेस बहुत कम थे बट हमने फिर भी वो किया बिकॉज वी गेव कि कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी उन्होंने भी अपने गेट्स को बंद कर दिया हमारे लिए एंड वी अगेन लॉस्ट होप बट येट अगेन वी नेवर नेवर गेव अप चीजें रास्ता और ज्यादा मुश्किल होता था। हर एक इंस्टेंस के बाद और ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि प्रबली इट्स द एंड सारी मेहनत बेकार गई बट दैट्स द टाइम वेन वी डिसाइडेड कि अब इतना आगे आगे तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है आई नीड टू मेक श्योर दैट वी गो टू आर एंड सो दैट दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व वंस एंड फॉर ऑल एंड यह प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम ना बनती प्रॉब्लम आने वाले बहुत दिनों में रहती एंड जस्ट वो एक, एक एक्स्ट्रा सब पुष्ट हमको चाहिए था हम सबको एंड हमने कर दिखाया हमने कभी कहीं पे भी गिव अप नहीं किया इनफैक्ट बहुत टाइम तक तो वेट करा हमने बहुत अलग अलग जगहों पे एंड ये रोड ट्रिप जो है ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल रोड ट्रिप बन गया इस साल का सो दिस वॉज दर इंटायर पिक्चर एंड कैसे यू कैन कॉन्कर एनी थिंग इफ यू आर पेशेंट इनफ दैट्स द होल आइडिया एंड अगर आप इसी लाइफ में इफ यू वॉन्ट टू मेक इट बिग Just believe, believe, believe me on this. Never, never, absolutely never give up. I would like to take this never giving up attitude to letting you know that you should join with us on Telegram now because it's all about putting in efforts and never giving up. आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी लेना पड़ेगा बिकॉज इसके जो फीचर्स है जो बेनिफिट्स है दे आर सो इमेंस एंड इतना ज्यादा आपको मिलता है इतना थोड़े से कि आई कांट बिलीव इट इट्स अनबिलीवेबल इतनी कम प्राइस लाइक नाइन फोर्टी रुपीज में यूर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स एंड अगर आपको उसके अलावा और बेनिफिट्स चाहिए देन यूल गेट अ अ मेंट अउट सॉल्विंग एक पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्ट एंड उसकी प्राइस इज लिटिल हाई बिकॉज थोड़ी वैल्यू ज्यादा एड हो रही है तो सेवन हंड्रेड रुपीज और आपको देने पड़ेंगे बट इफ यूर वन ऑफ दोपल जो सोचते हैं कहा उड़ा है यार आप तो पैसे बंद करते हो रहा एंड आपको पैसे कमाने का मन है देन कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट इज द थिंग फॉर यू फ्री में रजिस्टर करो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट दो थर्टी क्वेश्चन करो इन सिक्सटी मिनट्स एंड बी द बी द किंग आपको यहाँ पे इतने बहुत बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं कि येट अगेन आई कांट कांट बिलीव अगर आप इस इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ रहे हो हमारे साथ सो डू 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 चेक आउट द लिंक बिलो एंड चेक आउट द लिंक फॉर बग्स बाउंटी एज वेल अगर आपको लगता है कि कुछ भी इन है मेरे कॉन्टेंट में देन आप कंप्लेंट कर सकते हैं एंड यू कैन विन योर प्राइज अगेन अन अकेडमिक प्रोडिजी इज ऑल द ऑल द स्कूल स्कूल केट्स आउट सेवेंथ से लेके ट्वेल्थ तक आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक रैंक एंड एक स्कॉलरशिप मिलेगा एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू स्कॉलरशिप नाउ आपको कॉलेज में भी हम आपको ग्रांट देंगे एंड दिस इज द शेड्यूल सो डू फॉलो दिस एंड ये अमेजिंग प्राइजेस देख के अगर आप खुश हो रहे हो देन बिलीव मी इफ यू ने गिव अप आपको ये मिल सकता है कोई नहीं रोकेगा आपको एंड बेनिफिट्स आर इनफाइनाइट मेहनत एक बार करनी है बट उसका बेनिफिट आपको पूरी लाइफ टाइम मिलेगा एंड दैट्स हाउ वी आर इवन इन वन मो वो वो गुड सरप्राइज वही हो के आपको एक मंथ एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे देन आपको छः महीने का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन एंड थ्री मंथ्स का के ट्वेल्व सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा तीस आर द बैचेज इन विच यूल बी पुट अप इन अगर आप प्लस आइकॉनिक में हमारे साथ जुड़ते हैं एंड ये बैचेज आपके बहुत बहुत काम आएंगे बिकॉज आपको एक स्कूल प्रोग्राम वाली फीलिंग मिलेगी एंड स्पेशल क्लास में आ सकते हैं आप बहुत अमेजिंग बहुत बहुत बढ़िया फीचर्स के साथ ये क्लासेज हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर होती है सो आई लाइक टू से थैंक यू सो मच डू यू अट रिल लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेलाइकन एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यू आर हेव फॉर अ रीजन यू आर विनर एंड इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ You can never quit. You can never quit. No one can quit. Only quitters quit and they never win because they are quitting. So it's pretty obvious. Okay, why are we doing this all? Because you are here to win. Apu. You are the successful guys. You are the winners. And the winners of the world never complain. They never make excuses. They work hard for it. They do. They don't think they do. And with that note, I'm gonna take your leave. Never give up. Is is the deal for today, and that's the motto. And agar rapokar okay, then no one is going to take your success away from you. And with that note, I'm gonna take off and I'm gonna see you again soon on yet another episode of World Pinch TV. And till then, see ya, take care. Bye bye, see you soon.